होती है। मैं डॉटर ऑफ जगत सिंह हूँ और इसी गांव की रहने वाली हूँ और मैं मास्टर इन सोशल वर्क का हूँ। आज हम बात करेंगे चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। तो जब हम चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो जो हरासमेंट होती है वो कई प्रकार से होती है। बोल के जो हमें गलत बोले, कोई हमें गलत छुए और कोई हमें गलत तरीके से टॉर्चर करे, मतलब परेशान करना स्टार्ट कर दे, कोई हमें फोटो गलत दिखाना शुरू कर दे, ठीक है। जब हम चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी लड़कियाँ ही हरास नहीं होती हैं, हमारी लड़के भी हरास होते हैं। बचपन में उनको खुशी करा जाता है अजीब अजीब तरीके से, अपनी खुशी के लिए उनको बहुत परेशान किया जाता है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। और ये काम कौन करता है? ये काम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे घर में होते हैं, जो हमारे ट्रस्ट पर टीचिंग पे हम पूरा विश्वास करते हैं, वो करते हैं ये काम। क्योंकि हमने जो डाटा लिया टाइम्स ऑफ इंडिया से, उस डाटा में क्या था, 93% जो घर में जिन पे हम पूरा यकीन करते हैं वही हमारे बच्चों को ज्यादा दुखी करते हैं। और 7% जो कहते हैं ना कि बाहर वाले करते हैं दुखी, बाहर वाले ही शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो सिर्फ 7% है डाटा। तो एक मुंबई में सर्वे हुआ इसका, उस सर्वे में क्या काम हुआ कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोएम के लिए बोला कि पोएम सुनाओ, तुम्हारे साथ कुछ अत्याचार हुआ, तुम्हें किसी ने दुखी करा, तो कम से कम 40% बच्चों ने अपनी पोएम सुनाई, 5 साल से कम उम्र के बच्चों ने। सोच सकते हो, तुमसे भी छोटे बच्चे वो भी पोएम सुना रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, बिना फोटो देखे कोई बच्चा कुछ पोएम सुना सकता है? कोई बच्चा बिना फोटो देखे कोई ट्विंकल ट्विंकल स्टार सुना सकता है, बिना याद करे, बिना उसके साथ मिले घुले कोई कोई और पोएम सुना सकता है? जो रिटर्न नहीं सुना सकता, तो वो चीजें देखी नहीं है बच्चों में। और उनके कारण 40% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरे अच्छे से बताया भाई हमारे साथ ये सब हुआ, तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें। तो कानून पे बच्चे यकीन नहीं करते क्योंकि कानून की 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को समझ नहीं है। अब मैं आप सबसे पूछूंगी, किसी को पता है कानून के बारे में जो बच्चों के लिए है? नहीं पता। मैंने ना अभी रिसेंटली 2 जगह लेक्चर दिए अपने, 2 जगह अपने भाषण दिए, उनमें मैंने कॉलेज स्टूडेंट से बात करी कि भाई तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ, तुम्हें कभी 1 से 10वीं क्लास तक के बीच में कभी भी तुम्हें बताया सही टच क्या है, गलत छूना क्या है, सही छूना क्या है? हंसने की बात नहीं है बच्चे, सोचने की बात है। मैं इसके साथ हाथ मिला रही हूँ, ये कौन सा टच हुआ, सारे छोटे बच्चे बोलेंगे ठीक है। तो अगर मैं इसको गलत तरह से छेड़ूंगी और इसको अजीब लगेगा तो वो कौन से टच होते हैं? अगर मैं इसको ऐसे परेशान कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, तो कौन से टच होंगे? तो अंदर से हमें पता चलेगा ना ये गलत कर रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। तो गुड टच क्या होते हैं, जिन्हें हमें मतलब हमारे साथ अगर कोई हाथ मिलाए, बात करे, हमें अच्छा लगे, हम ऐसे लगे हाँ भाई हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और हम सुरक्षित हैं इस बंदे के साथ। अगर मैं गलत तरीके से हाथ लगाऊं, गलत तरीके से बात करूंगी तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। और पता चल जाता हमें तो ये हमारे साथ गलत कर रहा है। ये है बुरा टच, ये क्या है? हमने उसको देखा, हमने उस समय उसको देखा, 1998 की बात है बेटे, याद की ना। मगर सर मारी लड़किया के पास आने की जरूरत नहीं ना थी। और आइंदा आपने ऐसे सफर करा हमारे तो पूरा कोई नहीं कर सकता, बिना सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं ठीक है, वो भी छोटे बच्चों के, 1-2-3 साल वालों बच्चों के।
बड़े बच्चों के वो भी नहीं करेंगे और मैंने एक शाबाशी देंगे प्रिंस प्यार करेंगे वो क्या होते हैं अब कुछ ना हमारे खुद के भी रूल होने चाहिए। अब बड़े बड़े हो गए तुम इनसे थोड़े से और बड़े हो गए तो तुम्हारे अपने कुछ नियम होने चाहिए कौन मेरे को सही तरीके से टच कर सकता है और कौन मेरे को गलत तरीके से टच कर सकता है ठीक है अपने रूल्स बनाना ये तो मेरे लिए सही है अगर इससे आगे किसी ने टच किया तो वो गलत है। एक फाउंडेशन है चाइल्ड लाइन फाउंडेशन वो बच्चों के लिए काम करती है उसका नाम है चाइल्ड लाइन फाउंडेशन उनका नंबर है 1098 ठीक है जो कि हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है वो बच्चों की हर समस्या को सुनती है और उनकी रक्षा करती है ठीक है। जब हम बात करते हैं अगर बच्चा बचपन में इन ऐसे बुरे टचों से गुजरा है बचपन के टाइम में उसके साथ ऐसे ऐसे खराब इंसिडेंट हुए हैं तो हमें क्या उसके परिणाम क्या आएंगे आगे जाके वो बच्चा मेंटल बीमारी का शिकार हो जाएगा ठीक है। उसको डिप्रेशन कहते हैं ना सुना होगा डिप्रेशन का नाम डिप्रेशन तीन टाइम का हो जाएगा उसको जो पीछे की जो बातें हैं वो अनस्टार्ट हो जाएंगी वो अपनी पढ़ाई में नहीं लगाएगा जो आज ना के बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो जाएगा ढंग से मतलब खाएगा भी नहीं पिएगा भी नहीं खाने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई उनको ठीक है ढंग से खाना नहीं खाया